मेरा देश महान, मेरा भारत महान। वर्णनात्मक निबंध। भारत मेरा देश है। राजा दुष्यंत व शकुंतला का प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। इसे अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है। इसकी स्वतंत्रता संग्राम की कहानी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। हिमालय पर्वत मुकुट की तरह इसके उत्तर शीर्ष पर शोभा दे रहा है। इस देश के पूर्व में बंगाल का उपसागर और पश्चिम में अरब सागर है। इस देश के हृदय पर गंगा, यमुना आदि नदियों की मधुमेह धाराएं निरंतर बहती रहती है। मेरा देश महान है क्योंकि यहाँ की संस्कृति प्राचीन है। विभिन्न जाति व समुदाय के लोग यहाँ आपस में मिलकर रहते हैं। भारत में कई भाषा बोलने वाले लोग एक साथ बड़े प्यार से रहते हैं। विविधता में एकता इस देश की पहचान है। भारत के वेद आदि ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं। रामायण और महाभारत हमारे देश के प्रसिद्ध महाकाव्य है। भारत सभी कलाओं में विकसित देश है। यहाँ पर ज्ञान, विज्ञान, संगीत, व्यापार, तकनीकी, विश्व बंधुता, शांति, संदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार, साहित्य, कला आदि सभी क्षेत्रों में सदैव आगे रहा है। भारत ने शिल्पकला के लिए प्रसिद्धि पाई है। अजंता व एलोरा की गुफाएं, ताजमहल, कुतुब मीनार तथा दक्षिण के भव्य मंदिर आलीशान कलाकारी का नमूना है। पर्वतीय स्थल के शिमला, मसूरी, नैनीताल, कुमाऊं, महाबलेश्वर, माथेरान आदि स्थल है। नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। उद्योग की दृष्टि से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व बंगलुरु आदि शहर है। भारत एक समृद्धशाली व विकसित देश है। स्वतंत्रता के पश्चात से देश कभी सांप्रदायिक या संकुचित नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर सभी देश के लोग आकर अपनी रोजी रोटी पाते हैं। वीर महापुरुषों से मेरा देश कभी भी रिक्त नहीं हुआ। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व भगवान श्री कृष्ण व बुद्ध आदि ने यहाँ अवतार लिया है। कबीरदास, नानक देव, मीरा, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, शिवाजी, अशोक और चंद्रगुप्त आदि वीर प्रतापी लोगों ने इसी भारत देश में जन्म लेकर इसे ही अपनी कर्मभूमि बनाया था। अनेक क्रांतिकारियों इसी महान भारत देश में अपनी क्रांति को अंजाम दिया है। इन शूरवीरों ने भारत माता की कीर्ति में 4 चांद लगा दिए हैं। खोज या आविष्कार में हमारा देश कभी पीछे नहीं रहा। C.B. रमन, जगदीश चंद्र बोस आदि वैज्ञानिक इसी महान भारत देश की देन है। व्यास, कालिदास, टैगोर, वाल्मीकि इसी देश का गुणगान अपनी रचना में करके ही बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं। भारत के वेद ग्रंथों की गणना संसार के श्रेष्ठ एवं प्राचीनतम साहित्य में होती है। यहाँ की संस्कृति, भाईचारा, मातृप्रेम, देशभक्ति, बलिदान, विश्व शांति, मानवता इस देश को महान बनाती है। हमारे देश का वर्तमान प्रगतिशील और भविष्य उज्ज्वल है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे महान देश का नागरिक हूँ जहाँ सभी में मानवता, प्यार और भाईचारा है। जय हिंद। धन्यवाद। Great video. Mom. Yes. I found the good channel for study. Great. Like the video, share it to your school friends. Subscribe to it. But what's the channel's name? Wings of Fire Academy.